हेलो दोस्तों, मैंने आप सबको पार्ट टू में बता दिया था कि अभ्यास 13A का दूसरा क्वेश्चन और तीसरे पे पहुँचे हैं। तो ये जो पार्ट 3 है, अब इसके आगे बताने वाले हैं हम। तो हम लिख लेंगे जिसी वृत्त के केंद्र से दूरी दूरी 12 सेंटीमीटर है सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ज्ञात कीजिए तो हम पहले इसका एक छोटा सा एक चित्र बना लेंगे। एक जीवा 10 सेंटीमीटर का है, ये जीवा हो गया, और वृत्त से केंद्र की दूरी 12 सेंटीमीटर का है केंद्र केंद्र है 12 सेंटीमीटर। तो हमारा जो ये लंब है OM, OM मान लेते हैं, ये AB, तो इसको हम का इसे इसका कर्ण ज्ञात करना है, ये कर्ण ज्ञात करना है, ये लंब है जो 12 सेंटीमीटर का है। तो चलिए अब हम हल करते हैं इसे। दोस्तों मैंने हल कर लिया है, इसका जो आधार है 10 सेंटीमीटर, तो इसका ये जो लंब है इसको आधा कर रहा है, ये 5 सेंटीमीटर का आधार हो जाएगा। तो आधार का 5 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 25, और ये जो 12 है लंब है तो इसको हम ज्ञात कर 12 12 का वर्ग करेंगे, 144 आ जाएगा। फिर दोनों को जोड़ लेंगे आपस में, उसके बाद इसका इसका जो वर्ग था तो इसको अंडर रूट में लाएंगे तो ये वर्ग हट जाएगा। हमारा कर्ण बराबर आ जाएगा 13 13 सेंटीमीटर। तो हमें अब पता चल गया कि ये जो है OB बराबर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तब ऐसे ही हम चौथा चौथा प्रश्न अब लगाएंगे। एक वृत्त में 1 8 सेंटीमीटर लंबाई जीवा खींची गई है, जिसकी केंद्र से दूरी 3 सेंटीमीटर है। इसी वृत्त में खींची गई एक अन्य जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, जिसकी दूरी केंद्र से 4 सेंटीमीटर है। तो हम पहले लिख लेंगे दिया, जो जो दिया है इसमें इस प्रश्न में, ये दूसरे का है प्रश्न, ये अब चौथा इसमें दिया है, दिया है एक वृत्त में 8 सेंटीमीटर का एक एक जीवा है जिसकी केंद्र से दूरी बराबर 3 सेंटीमीटर है, बराबर 3 सेंटीमीटर है एक वृत्त सेंटीमीटर का एक जीवा है। तो हम पहले इस प्रश्न का आधा हल कर लेंगे, क्योंकि प्रश्न में दिया था कि एक वृत्त में खींची गई एक अन्य जीवा है, जो अन्य जीवा है उसे हम बाद में ज्ञात करेंगे, पहले हमें इसका क्या ज्ञात करना रहेगा। ये एक वृत्त में 8 सेंटीमीटर का एक जीवा है, 8 सेंटीमीटर का एक जीवा है जिसकी केंद्र से दूरी, तो पहले हम चित्र बना लेंगे, जिसकी 8 सेंटीमीटर का एक जीवा है जिसकी केंद्र, यही हमारा अगर केंद्र है तो केंद्र से दूरी है 3 सेंटीमीटर, तो हमें लंब ज्ञात करना है,
चलिए हम लगाते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस ये वर्ग है दो लंब, तो हम कर्ण हमें तो ज्ञात है 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर 3 का वर्ग करेंगे 9 आ जाएगा, बराबर आधार हमारा ये जब आधा होगा तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, प्लस लंब हमें ज्ञात ही करना है, तो 16 प्लस 9 प्लस 9 तो 16 9 16 9 हो जाएगा, 9 3 9 6 15 25 हो जाएगा। लंब को यहाँ लाएंगे, पक्षांतर करेंगे, ये वर्ग हो जाएगा, इसको अंडर रूट में करेंगे तो ये सिर्फ लंब ही बचेगा, वर्ग जो है उसका यहाँ आ जाएगा अंडर रूट में, तो 25 इसका 5 आ जाएगा, तो ये हमारा जो है 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा, यानी कि वृत्त का त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो इसी प्रकार उस प्रश्न में दिया था कि इस वृत्त में खींची गई एक अन्य जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी केंद्र से दूरी 4 सेंटीमीटर है। तो चलिए हम वाला ज्ञात करते हैं, जैसे कि अगर हमारा केंद्र है तो केंद्र जैसे कि इस जीवा जो है 4 सेंटीमीटर का दिया है, तो यहाँ पे केंद्र से दूरी 4 सेंटीमीटर जिसकी केंद्र से दूरी 4 सेंटीमीटर है, केंद्र से दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो ये जो है 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो हमने ये तो ज्ञात ही कर लिया था कि कितना आया था हमारे 5 आया था, तो इसका जो है लंब 5 सेंटीमीटर का हो जाता है अगर, तो ये भी जिस जो हमें जीवा ज्ञात करना था, अन्य जीवा ज्ञात करनी थी, तो अन्य जीवा चलिए ज्ञात करते हैं। तो जैसे हो जाएगा कड़ का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, जो हमारा कड़ है हमें लंब ज्ञात करना है, नहीं हमें लंब नहीं आधार ज्ञात करना है, तो हमारा जो कड़ है वो है 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा, 5 5 25 आधार हमें ज्ञात करना था, आधार का वर्ग कर लेंगे, तो ये हमारा जो लंब है 4 सेंटीमीटर का, तो हो जाएगा 4 चौक 16 16 हो जाएगा, तो इसको आधार का वर्ग ऐसे लिख लेंगे, तो 16 में से 25 घटाएंगे तो आएगा 9, 16 में से 25 घटा नहीं पाएगा हमारा 9, 16 में से 25 को घटाएंगे 9 आ जाएगा, तो ऐसे लिखेंगे इसको 25 माइनस 16 बराबर 9, फिर आधार का वर्ग ऐसे लिख लेंगे हम, उसके